एक खटाक पेशकश। यशवंत व्यास के लिखी कवि की मनोहर कहानियां, को पावर्ड बाय बीमा गारंट, सुना रहे हैं विजय कश्यप। किस्सा नंबर 14। कवि थानेदार हो गया। इलाका अफीम तस्करों का था। सिपाहियों ने कहा, हुजूर, यहां के तस्कर काफी अनुशासित हैं, उनकी ईमानदारी की मिसालें आईजी साहब तक दी जाती हैं, हमें बिल्कुल क्रॉस चेक नहीं करना पड़ता। जितने किलो तस्करी होती है, बिना हेर फेर के उसका 10% थाने आ जाता है। सालाना प्रोग्रेस भी ठीक है। अब तक कुल तस्करीकृत अफीम की मात्रा में हर साल 20% की दर से वृद्धि हो रही थी। आपके चरण पड़ते ही 22% हो गई। धन्य हैं आप, आपकी कविता का तेज ऐसा। कवि ने कहा, तुम नैतिक रूप से गिरे हुए हो, तुमने समाज से इतना पाकर भी तस्करों का नैतिक स्तर उठाने के लिए क्या किया? सुनकर पूरा थाना सुन्न, हर सिपाही आत्मग्लानी से भरा हुआ। थानेदार जी की ताकत तो कविताएं से आती थी, उनके सम्मुख इनकी क्या विसात। आखिर कवि ने ही मार्ग सुझाया, अफीम पर बिना अतिरिक्त बोझ बढ़ाए जनसट्टा केंद्र शुरू किए जाएं। अब तस्कर कविता लिखते हैं, सट्टेबाज नुक्कड़ों पर जन कविता सुनाते हैं, इससे उनका नैतिक बल बढ़ा है। और बिना अतिरिक्त निवेश के सट्टे से जनता में भाग्य से लड़ने की ताकत आई है। पहले इलाके में तस्कर थे, अब इलाका तस्कर है। सट्टे वाले हर साल एक काव्य संग्रह छपाते हैं और आईजी की अध्यक्षता में लोकार्पण कराते हैं। कवि थाने में जन साहित्य अकादमी स्थापित कर रहा है। अगले थाना लिटरेचर फेस्टिवल की थीम जन क्रांति है। भाग लेने को मरे जा रहे राजधानी के कुछ महाकवि पूछ रहे हैं, अफीम कितनी मिलेगी? खटाक पॉडकास्ट को पावर्ड बाय बीमा गराज। डाउनलोड करें बीमा गराज की हॉबनॉब ऐप और घर बैठे पाएं अपने क्लेम्स की सारी झंझटों से छुटकारा। बीमा गराज के साथ अब आसान है।